ये कोरियन मूवी है एक ऐसे लड़के की जो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो दोनों एक हैप्पी कपल थे, पर उसकी एक गलती के वजह से सब कुछ बिगड़ गया। वेलकम टू माय चैनल हनाज मूवी लैंड। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। ये है इस मूवी के दो मेन कैरेक्टर सूजी और वुयोन। यहां मूवी के स्टार्ट में वुयोन स्टूडेंट्स को अपनी कॉलेज की स्टोरी सुना रहा था, जो बच्चों को झूठ लग रही थी। वुयोन एक पीटी टीचर था। जब वो अपने डेस्क पर आता है तब देखता है कि उसके लिए एक लेटर आया था, और वो लेटर सूजी ने भेजा था। उसे देखकर वो अपने पुराने यादों में खो जाता है और मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां वुयोन उसके स्कूल के टेरेस पर फाइटिंग कर रहा था, जिस वजह से उसे काफी मार पड़ती है। तब अचानक सूजी की एंट्री होती है और उसे देखकर ये हीरो मार खाते वक्त भी स्माइल कर रहा था, लेकिन सूजी उसे भाव नहीं देती। सूजी उस स्कूल में नई थी। जब टीचर उसकी डिटेल्स पढ़ रही थी तब वुयोन सब सुन रहा था। तब टीचर किसी काम से चली जाती है। तब ये हीरो सूजी से बात करने आता है कि क्या तुम यहां नई हो, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मुझसे कहना, मेरा नाम वुयोन है। पर सूजी उसे बस देखती जा रही थी, क्योंकि उस हीरो को पता नहीं था कि उसकी पैंट फटी थी। तब सूजी कहती है कि तुम्हारी पैंट फट चुकी है। तब उसे शर्म आती है और वो इस तरह से पैंट को कवर करके वहां से जाता है। ये थी उन दोनों की फर्स्ट मीटिंग। यहां स्कूल के लड़के सूजी के पीछे पागल हो रहे थे कि तब स्कूल का एक गुंडा पूरी क्लास के सामने उसे फ्रेंडशिप करने आता है, पर सूजी उसे पूरी तरह इग्नोर करती है। यहां सूजी अपना काम कर रही थी, पर उसके पीछे लड़कों ने कुछ स्टिकर्स लगाए थे जो वुयोन निकालता है। तब सूजी कहती है कि ये लोगों ने तो मुझे तंग कर दिया है, चलो आज लेक्चर बंक करते हैं। ये सुनकर वुयोन बहुत खुश होता है। नेक्स्ट डे भी वो लोग लेक्चर बंक करते हैं। तब सूजी कहती है कि तुम इतना फाइटिंग क्यों करते हो। तब वो प्रॉमिस करता है कि वो किसी को नहीं मारेगा। तब वो सूजी से कहता है कि वो गुंडा तुम्हें बहुत परेशान करता है ना, तुम उसे झूठ बोल दो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं तो वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तब वो वहां आ जाता है। तब सूजी उसे कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर वुयोन तो बहुत खुश होता है, पर वो गुंडा उसे वॉर्न करता है। और यहां वुयोन ये सब अपने बेस्ट फ्रेंड को बताता है। नेक्स्ट डे स्कूल के ब्रेक टाइम में वुयोन का बेस्ट फ्रेंड देखता है कि ये हीरो सीधे जाकर सूजी के पास बैठता है और वो गुंडे उसे देख रहे थे। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से काफी मिलने लगे। वुयोन बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन एक दिन वो गुंडा अपने फ्रेंड्स के साथ वुयोन को मारने आता है। एक्चुअली वुयोन काफी अच्छा फाइटर था, पर सूजी को किए हुए प्रॉमिस की वजह से वो फाइट नहीं करता, पर वो गुंडा उसे बहुत मारता है। तब सूजी देखती है और उसे बहुत बुरा लगता है। वुयोन उसे पूछता है, क्या तुम खुश हो कि मैंने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा। तब वो सिर्फ स्माइल करती है। जब वो दोनों घर जा रहे थे तब वहां से एक मिनी ट्रक जाती है, जिसे देखकर सूजी डरकर छिप जाती है। तब वुयोन उसे पूछता है, पर वो कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट डे वो स्कूल नहीं आती। तब वुयोन उसके घर जाता है और देखता है कि वहां लोग जमा थे। एक्चुअली सूजी के पापा ने काफी ड्रिंक की थी और घर में काफी तोड़फोड़ किया था। तब सूजी उसे देख लेती है। तब वो कहता है कि तुम मेरा फोन नहीं उठा रही थी। तब वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है और बहुत रोती है। नेक्स्ट डे भी वो स्कूल नहीं आती। वुयोन भी काफी सैड था कि तब उसे सूजी का कॉल आता है और वो उसे सब बताती है कि मेरे पापा ड्रिंक करने के बाद काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, इसलिए मैं और मेरी मम्मी उनसे छुपकर रह रहे थे, पर इस बार भी उन्होंने हमें ढूंढ लिया। तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो, प्लीज टेक केयर। और वो बहुत रोती है और वो अपनी मम्मी के साथ बस में चली जाती है। ये सब सुनकर वुयोन शॉक्ड रह जाता है और भागते हुए उसे ढूंढने जाता है, पर वो जा चुकी थी। ये थी इन दोनों की स्कूल की स्टोरी।
और यहाँ प्रेजेंट में वुयोन का एक स्टूडेंट ब्रेकअप की वजह से रो रहा था। तब वुयोन उसे प्यार से समझाता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने कॉलेज में क्या किया था? तो यहाँ स्टार्ट होती है उनकी कॉलेज की स्टोरी। वुयोन स्टडीज में काफी डफर था, इसलिए वो स्कूल के बाद यहाँ अपने रेस्टोरेंट में चिकन बेच रहा था। और उसका बेस्ट फ्रेंड कहता है कि वो सियोल के कॉलेज में एडमिशन लेगा क्योंकि वहाँ काफी प्रिटी लड़कियां होंगी। और उस कॉलेज मैगजीन में वुयोन को दिखाई देती है सूजी। उसके बाद वो जिद करता है कि वो भी उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा। ये सुनकर उसके पेरेंट्स बहुत हंसते हैं और कहते हैं कि ये भोंदू अब यूनिवर्सिटी जाएगा। तब वुयोन कहता है कि अब मैं ये करके दिखाऊंगा। और अब ये भाई साहब अपने आप को रूम के अंदर चेन से बांध देता है ताकि उसका पूरा ध्यान स्टडीज पर हो, और पागलों की तरह पढ़ाई करता है और अपने आप को काफी इम्प्रूव करता है और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स से पास होकर उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाती है। पर यहाँ पर भी वो सिर्फ सूजी को ढूंढ रहा था और काफी ढूंढने के बाद फाइनली उसे वो दिखाई देती है और उसे देखते ही वो उसके पास दौड़ी चली आती है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता, वुयोन ये सब सोच रहा था। जब सूजी उसे देखती है तो उसे कुछ खास वेलकम नहीं करती, वो बस अपना काम कर रही थी और वुयोन उसे फॉलो कर रहा था। अब यहाँ ये सारे स्टूडेंट्स रेंट पर रह रहे थे कि तब सूजी वुयोन को बाहर बुलाती है। ये देखकर वो काफी खुश हो गया। पर सूजी कहती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर वो बस स्माइल करता है, पर अंदर ही अंदर उसकी पूरी दुनिया पलट गई थी। तब उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि तुम्हारे पास अब भी चांस है, तुम उसके बॉयफ्रेंड से कम्पीट कर सकते हो। उसका बॉयफ्रेंड फुटबॉल टीम का कैप्टन था। यहां वुयोन उसे पूछता है कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड में क्या अच्छा लगा। तब वो कहती है कि वो मुझे पहली ही बार में पसंद आ गया था। और जब भी सूजी का बॉयफ्रेंड उसे मिलने आता तब वुयोन काफी जेलस फील करता। और यहाँ वुयोन के फ्रेंड्स लड़कियों से फ्रेंडशिप कर रहे थे। तब वुयोन को याद आता है कि आज सूजी का बर्थडे है, इसलिए वो फ्लावर्स लेकर आता है। पर तब सूजी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है और उसका बॉयफ्रेंड उसे एक नेकलेस देता है और वो बेचारा ये सब देख रहा था। सूजी बहुत खुश थी कि तब उसकी कार पर वो पत्थर फेंकता है और फ्लावर्स भी फेंक कर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे वुयोन लाइब्रेरी में देखता है कि सूजी का बॉयफ्रेंड किसी और लड़की को ट्रिप पर ले जाने की बात कर रहा था। यहाँ गेम खेलते वक्त उसका बॉयफ्रेंड अपने फ्रेंड से कहता है कि वो सूजी को यूरोप ले जाएगा। तब वुयोन सूजी को सब कुछ बताता है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की से भी ट्रिप की बात कर रहा था। तब सूजी उल्टा उस पर चिल्लाती है कि उसके बारे में बुरा बोलना बंद कर दो, तुमने उसकी गाड़ी की कांच तोड़ी, क्या वो बस नहीं था? एक्चुअली उस दिन सूजी ने उसे देख लिया था और वो उस पर गुस्सा करके चली जाती है। गेम के एंड में वुयोन अपना सारा गुस्सा उसके बॉयफ्रेंड पर निकालता है और उसे बहुत मारता है, जिसकी बात से वो दोनों ने एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया था। यहां ग्रेजुएशन के कुछ साल बाद वुयोन और उसके फ्रेंड्स एक रेस्टोरेंट आए थे और वहां एक लड़की भी थी जो वुयोन की गर्लफ्रेंड थी, और वो सब बहुत खुश थे। और वो एक जिम ट्रेनर की जॉब कर रहा था। तब उसे सूजी दिखाई देती है और वो उसे फॉलो करता है और देखता है कि उसकी फोटोशूट चल रही थी। सूजी छोटे मोटे ऐड करती थी और इतने टाइम बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तब वुयोन की कपल रिंग देखकर वो पूछती है। तब वो कहता है कि हाँ मेरी एक गर्लफ्रेंड है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तब वो कहती है बिल्कुल भी नहीं। इतने में उसे एक मैसेज आता है। तब वो कहती है कि शूटिंग की लोकेशन काफी दूर होती है तो मेरी फ्रेंड मेरे लिए ड्राइव करती है, पर आज वो नहीं आने वाली। तब वुयोन सीधे कहता है कि मैं ड्राइव करूंगा और उसके साथ शूट पर जाता है, जिसकी वो उसे पेमेंट भी करती है। दो दिन बाद वुयोन सूजी के साथ जा रहा था कि तब उसे अपनी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है
पर वो फोन को साइड में रख देता है। तब वो उसे पूछती है कि तुमने मिलिट्री सर्विस के टाइम मुझे कॉल क्यों नहीं किया। एक्चुअली उसका एक रीजन था। कॉलेज के बाद सूजी को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में सब पता चल गया था, इसलिए वो वुयोन से मिलती है और सब बताती है। पर नेक्स्ट डे जब वुयोन उठता है तो अपने आप को ऐसे कंडीशन में देखकर शॉक्ड रह जाता है और बाहर आंटी से पूछता है कि कल यहाँ क्या हुआ था। तब वो उसे बताती है कि कल तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और तुम वॉशरूम में ही बेहोश हो गए थे। तब उस लड़की ने मुझे बुलाया, मुझे तो अंदर देखते ही उल्टी आ रही थी, पर उस बेचारी लड़की ने सब कुछ साफ किया, तुम्हारे कपड़े भी धोए और चली गई। तब वो कहता है, क्या उसने साफ किया? आंटी आपने क्यों नहीं किया? तब आंटी कहती है, तुम पागल हो क्या? मैं क्यों साफ करूंगी? अगली बार पीने से पहले डायपर जरूर पहन लेना। वुयोन को अपने आप पे बहुत शर्म आती है, इसलिए उसने कभी उसे कॉल ही नहीं किया। तब सूजी को प्रोड्यूसर का कॉल आता है कि उसकी जगह किसी और को एड मिल गया है। वो बहुत सैड हो जाती है। तब वुयोन उसके प्रोड्यूसर को चिल्लाकर गाली देता है और ये देखकर वो हंसती है। वो उससे कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे भूल गए। तब वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं भूला, पर वो वहां से चली जाती है। तब वुयोन सोचता है कि हम दोनों फिर से मिले तो सही, पर रॉन्ग टाइमिंग पर। लेकिन घर जाते वक्त वुयोन उसे बोल देता है कि मैं आज भी तुम्हें लाइक करता हूं और तुम। तब वो कहती है, देखो मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन तो फिर बस। और वो सीधे वहां से चला जाता है। सूजी उसे कोई गलत डिसीजन लेने से मना करती है, पर वो नहीं सुनता और अपनी गर्लफ्रेंड को सब बताता है। उसकी गर्लफ्रेंड बहुत स्वीट थी, वो बेचारी ब्रेकअप के लिए मान जाती है। वुयोन सीधे उसके शूट पर मिलने जाता है और उसे कहता है कि मैंने ब्रेकअप कर लिया। तब सूजी को बहुत बुरा लगता है और वो उसे काफी डांटती है। और वो टर्न करती है कि तब ऊपर से एक बड़ा सा बोर्ड नीचे गिर जाता है, पर वुयोन आकर उसे बचा लेता है, पर वो खुद इंजर्ड हो जाता है। वुयोन को पीटी टीचर बनना था और कल उसका फिजिकल टेस्ट था, इसलिए सूजी को काफी बुरा लगता है, पर वो एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है कि कोई बात नहीं, मैं एग्जाम नेक्स्ट ईयर दे दूंगा, मैं खुश हूं कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। और इस इंसिडेंट के बाद से दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होती है। दोनों साथ बहुत खुश थे, पर लाइफ में जैसा सोचा था वैसा हमेशा नहीं होता। वुयोन को कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, वो काफी टेंशन में था। यहाँ उसकी फ्रेंड की शादी होने वाली थी और वुयोन ड्रिंक करके काफी नेगेटिव बातें कर रहा था। सूजी को बुरा लगता है कि उस इंजरी की वजह से उसे एग्जाम में अच्छे स्कोर्स नहीं आए थे, इसलिए वो उसे सॉरी कहती है। नेक्स्ट डे सूजी अपने प्रमोशन के बारे में उसे बताती है कि मुझे कंपनी 3 साल के लिए बेल्जियम भेजना चाहती है। तब वो काफी रूडली कहता है कि ठीक है तुम चली जाओ, वैसे भी मेरे रोकने से तुम कहां रुकोगी। ये सुनकर सूजी को बुरा लगता है। यहां वो एक्सरसाइज कर रहा था, पर अब भी उस इंजरी की वजह से उसे तकलीफ हो रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी के फादर की डेथ हो गई थी। सूजी रो रही थी, इसलिए वो उसके साथ था। बाद में वो नीचे अपने फ्रेंड के पास जाता है। तब उसका बेस्ट फ्रेंड कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगे। तब वुयोन उसे अपनी मन की बात कहता है, यार अगर मैं सूजी से नहीं मिला होता तो आज मैं लाइफ में कहां होता। तब फ्रेंड कहता है, हाँ उसके बिना तुम कॉलेज भी नहीं जाते। तब वो कहता है, नहीं यार अगर मैं उसे फिर से मिला नहीं होता तो ना ही मुझे कोई इंजरी होती और मुझे एक अच्छी जॉब भी मिल गई होती। ये सुनकर फ्रेंड कहता है कि तुझे बहुत जल्द जॉब मिल जाएगी, इस बात की गारंटी मैं तुझे देता हूं। और कहता है कि मुझे डर लग रहा है कि आगे जब भी प्रॉब्लम्स आएंगे तब शायद मैं रिग्रेट करूंगा कि मैं सूजी से क्यों मिला। तब फ्रेंड कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। फिर भी वो कहता है,
सच तो कह रहा हूँ, उससे मिलने के बाद ही तो सब कुछ बिगड़ गया। और तब सूजी वहां आ जाती है और कहती है, क्या सब कुछ बिगड़ गया मेरी वजह से? वो रोते हुए कहती है कि मैंने कभी तुम्हें फोर्स नहीं किया, ये सब तुम्हारा ही डिसीजन था। तब वो कहता है कि नहीं, मेरे बोलने का मतलब वो नहीं था। पर वो उसे ब्रेकअप करने के लिए कहती है और बहुत रोती है। वुयोन उसे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे एक स्कूल में जॉब मिलने वाली है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब वो उसके लिए खुश होती है पर कहती है कि वो बेल्जियम जाने वाली है। तब वुयोन कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। आई एम सो सॉरी, मैंने जो कहा प्लीज उसे भूल जाओ। तब वो कहती है, बुरा इस बात का नहीं लग रहा कि तुमने ऐसा कहा, इस बात का लग रहा है कि तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा। इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट। और वो उसे छोड़कर चली जाती है। उसके बाद वुयोन अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है और अचानक कुछ साल बाद बेल्जियम से सूजी वापस आती है। तब वुयोन कहता है कि तुम इतना हिचकिचा क्यों रही हो, जैसे तुम्हारी शादी होने वाली है। तब वो कहती है, हाँ मैं शादी कर रही हूं। तब वो कहता है कि मुझे इनविटेशन जरूर भेजना। वो हंस तो रहा था पर उसे बहुत बुरा लग रहा था और रोते हुए अपने फ्रेंड से कहता है, यार वो शादी कर रही है, मैंने तो ऐसे ही कहा था पर उसने सच में इनविटेशन कार्ड भेजा। बड़ी आई, मैं नहीं जाने वाला उसकी शादी में। और इसलिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत दूर फिशिंग के लिए जाता है। पर वहां पर भी उसे सूजी की याद आती है। वो बहुत रोता है और सुबह होते ही वो उसकी शादी में पहुंच जाता है और सीधे उसके रूम में मिलने जाता है। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि वुयोन कोई सीन क्रिएट करेगा, पर वो ऐसा नहीं करता। वो उसके सामने बैठ जाता है और बहुत प्यार से कहता है कि मैंने जो कुछ भी कहा वो बहुत गलत था, मुझे तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, तुम्हारी वजह से मैं कॉलेज गया, टीचर बना, वरना पता नहीं मुझ जैसे डफर का क्या होता, थैंक यू सो मच। और तब सूजी भी उसे थैंक यू कहती है। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी की शादी हो जाती है। सब बहुत खुश थे और वुयोन भी। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।